मुफस्सल में गोलीकांड और आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले पांच नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल, कारतूस, बाइक, मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की रंगदारी को लेकर टीपीसी नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था। साथ ही टीपीसी के एरिया कमांडर दिनेश के निर्देश पर 12 मई को बसाल में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। लेम गांव में एक नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा था, जहां कुछ अपराधियों के द्वारा आकर के वहां मजदूरों के साथ मारपीट की गई और वहां जो एक ट्रैक्टर का डाल लगा हुआ था उसके टायर में आग लगा दिया गया था। साथ ही कुछ ब्लैंक राउंड फायर भी किया गया था। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसके जिन्होंने अपने अपनी संलिप्तता उस कांड में स्वीकार किया है। उसमें से 3 लोग एक जगह से गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 2 अवैध हथियार और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। घटना में यूज किया गया बाइक भी बरामद हुआ है। जिस फोन से रंगदारी की मांग की जा रही थी वो फोन और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।